रूलिंग पार्टी ने ब्लैक मनी को हमारे देश से हटाने के लिए कई तरीके अपनाए हैं, जहां उन्होंने एक समय पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पेश किया था ताकि पॉलिटिकल फंडिंग से ब्लैक मनी की समस्या खत्म हो। वहीं उन्होंने एक ऐसा प्रोसेस लाया था जिससे पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं बल्कि पूरे देश में ब्लैक मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात डीमोनेटाइजेशन की कर रहे हैं, जो कि साल 2016 में हुआ था। तो जहाँ लोगों के मन में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कई सवाल अभी तक मौजूद है, वहीं एक समय था जब सबने इस डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस के ऊपर कई क्वेश्चंस रेज किए थे। पर जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डीमोनेटाइजेशन को अपहेल्ड किया था, वहीं अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके देश में काफी तूफान लाया है। अब जायज सी बात है कि आपके मन में सवाल चलेगा कि भला हम अब जाकर डीमोनेटाइजेशन की चर्चा वापस से क्यों उठा रहे हैं। तो बात ऐसी है कि इस केस के 5 जज बेंच में एक जज ने अपना डिसेंट दिया था, यानी कि यूनियन द्वारा उठाए इस कदम के सख्त खिलाफ बोला था, और वो कोई नहीं बल्कि जस्टिस बीवी नागरत्ना है, जिन्होंने इन बातों को वापस से एक रीसेंट स्पीच में उठाकर यूनियन पर कई सवाल किए हैं। जस्टिस नागरत्ना, जो कि फर्स्ट वुमेन सीजेआई बनने की राह पर है, आए दिन अपने तेज तरार जजमेंट्स की वजह से हमेशा ही लोगों की तारीफ सुनते आती है, जैसे कि इस साल की बिल्किस बानो जजमेंट का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के 5th एडिशन ऑफ कोर्ट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्रेंस में कीनोट स्पीच देते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ अपनी आवाज क्यों उठाई इसकी वजह बताते हुए यूनियन को वापस से टारगेट किया है और अभी रीसेंट टाइम में चल रहे स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नर्स की लड़ाई पर भी बात की है और एक पॉइंट पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड से डिसएग्री भी किया है। तो चलिए पहले देखते हैं कि उन्होंने डीमोनेटाइजेशन के केस में क्या कहा है। जैसा कि हमें पता है, यूनियन गवर्नमेंट ने 8 नवंबर 2016 को अचानक से 500 और 1000 के नोट्स बंद करके लोगों में एक हलचल पैदा कर दी थी, इतनी कि इस प्रोसेस के बाद देश के सारे बैंक्स में आम जनता की भीड़ इकट्ठा हो गई थी इन नोट्स को एक्सचेंज करवाने की मांग करते हुए। और आम जनता की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस स्कीम के खिलाफ अपना फैसला दिया था। अब आप ही सोचिए कि एक आम जनता को क्या चाहिए, यही कि कोई उसकी मुश्किलें समझे और उनके लिए स्टैंड ले, स्पेशली कोर्ट्स और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट। और ऐसा ही कुछ जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपने इस फैसले में किया था। इस बारे में स्पीच के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, इमेजिन अ लेबरर हु वेंट टू वर्क दोस डेज हैड टू गेट हिज नोट्स एक्सचेंज्ड बिफोर ही कुड गो टू द ग्रोसरी शॉप टू बाय द डेली एसेंशियल्स, सो देयरफॉर द कॉमन मैन्स प्रेडिकमेंट रियली स्टर्ड मी एंड हेंस आई हैड टू डिसेंट। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन के प्रोसेस पर कई सवाल भी उठाए थे और कहा कि जब इस प्रोसेस से बैंक्स के पास वापस पैसे आ ही गए हैं, तो भला ब्लैक मनी देश में खत्म कैसे हुई। इस प्रोसेस से तो सिर्फ ब्लैक मनी आराम से व्हाइट में कन्वर्ट हो गई है। शी स्टेटेड, 86% ऑफ द करेंसी वॉज 500 and 1000 नोट्स, विच आई थिंक द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉस्ट साइट ऑफ वाइल डीमोनेटाइजिंग 86% ऑफ द करेंसी। 98% ऑफ द करेंसी केम बैक टू द RBI, सो वेर वर वी हेडिंग टूवर्ड्स ब्लैक मनी इराडिकेशन, द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन। यूनियन गवर्नमेंट पर सवाल उठाते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा भी कि अब किसे ही पता कि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के बाद क्या हुआ क्या नहीं, एंड स्टेटेड, What happened about income tax proceedings thereafter, we don't know। पर वहीं यूनियन द्वारा इस प्रोसेस के पीछे एक भी थॉट नहीं देने पर भी उन्होंने सवाल रेस किया और कहा, The manner in which demonetization was done was not correct। There was no decision making process which was in accordance with the law। The haste with which it was done, some people see even the then finance minister did not know about it। इसमें further add करते हुए she stated, The communication went on one evening and the demonetization happened the next day। If India wanted to go from paper currency to plastic currency, surely the demonetization was not also a reason for that, I thought। यहाँ तक तो उन्होंने बात की demonetization की और अब देखते हैं कि किस point पर justice बीवी नागरत्ना ने CJI DY चंद्रचूड़ से disagree किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रेंड देखने को मिल गया है, जहां स्टेट गवर्नमेंट्स अपने गवर्नर्स के खिलाफ ही केसेस लेकर आ जाते हैं, क्योंकि उनके गवर्नर्स ने या तो बिल्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है उसको रोक रखा है या अपनी असेंट देने से सख्त मना कर दिया है, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स का काम ठप पड़ जाता है। ये अभी तक के 4 से 5 स्टेट्स में देखने को मिला है, जिसमें कि केरला, तेलंगाना, पंजाब और तमिलनाडु शामिल है। इस ट्रेंड के बारे में बोलते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने भी चिंता जताई है और कहा, द रीसेंट ट्रेंड हैज बीन दैट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज बिकमिंग अ पॉइंट ऑफ लिटिगेशन बिकॉज ऑफ ईदर ओमिशन इन असेटिंग टू बिल्स और अदर एक्शंस व्हिच दे वुड हैव टेक। दिस इज नॉट अ हेल्दी ट्रेंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव टू ब्रिंग द एक्शंस और ओमिशंस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट बिफोर कंसिडरेशन बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। और जैसा कि आपको ध्यान भी होगा, इन सारे केसेस में CJI DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई की है, तो वे तो गवर्नर्स के ये रवैया देखकर काफी गुस्सा थे।
कि वे कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स की बात नहीं मानकर उनके काम में बाधा डाल रहे हैं। इन्हीं कई हियरिंग्स में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा भी है कि गवर्नर इज अ टिटुलर हेड एंड नथिंग मोर, और कि उनके काम बस सजेशन देने के हैं और कुछ नहीं। और इसी पॉइंट से जस्टिस बीवी नागरत्ना ने डिसएग्री किया है गवर्नर के रोल के बारे में कहते हुए। शी स्टेटेड, दो इट इज कॉल्ड अ गवर्नेटोरियल पोस्ट, इट इज अ सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड गवर्नर्स मस्ट एक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस काइंड ऑफ लिटिगेशन रिड्यूसेस। इट इज क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर गवर्नर्स टू बी टोल्ड टू डू और नॉट डू अ थिंग। The time has come where they would be now told, I suppose, to do their duties as per the constitution. सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स के बारे में बोलते हुए उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद के ही कुछ फैसलों से अपने उस जजमेंट को थोड़ा कमजोर बना दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी मस्ट फर्निश रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट टू पर्सन्स अरेस्टेड इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। इसके अलावा भी जस्टिस बीवी नागरत्ना के पास एक मेडिकल टर्मिनेशन का केस आया था, जिसने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी, क्योंकि दो जज बेंच में डिसेंट होने की वजह से ये केस सीजेआई के पास जा पहुंचा था, जो भी इस केस की वजह से बड़े परेशान दिखे थे। ऐसे केसेस के बारे में बोलते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, द डिबेट विद रिगार्ड टू प्रो लाइफ एंड प्रो चॉइस अरोज, आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक मच अबाउट इट, बट आई विल ओनली से वी शुड नॉट पोलराइज द डिबेट लाइक दिस। Ultimately, it depends on the facts of the case. Why has the lady come to court beyond the time? It is a very difficult decision for a woman to terminate a pregnancy. She has to be psychologically ready. It is not a simple abortion right issue. COVID के time के बारे में बात करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने ये भी कहा है कि इसकी वजह से जुडिशरी काफी अफेक्ट भी हुई है, लेकिन जस्टिस यूयू ललित के सीजेआई बनने से काफी चीजें सॉर्ट हो गई थी। She stated, with Justice UU Lalit becoming the CJI who took over after the pandemic, he diligently planned the work of the Supreme Court. He was determined to reform and dispose of the cases which were long pending, and therefore he constituted 5 constitution benches. All 30 judges of the Supreme Court got the chance to be on a constitution bench, including myself, who had joined from the High Court very recently. The constitution benches took up 25 long pending cases, covering the widest range of the legal spectrum. The constitution of benches after the pandemic was significant. और अपनी स्पीच खत्म करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जर्नी के बारे में डिस्कस किया, जो कि 2023 में देखने को मिली थी, जिसके साथ ही शी स्टेटेड, द स्ट्रेंथ ऑफ कोर्ट्स कम फ्रॉम देयर रोल इन डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड पीपल शुड रीडेडिकेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बता दें कि इस फंक्शन में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जज जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आलोक अराधे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल जज सपना मलाव और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट जज सईद मंसूर अली शाह भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। तो देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही जजमेंट देते रहेगी जो हमें सोचने पर मजबूर करे। इस बारे में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।